आज हम डिस्कस करेंगे 12वीं के चैप्टर चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, किस तरह हम इसे हल कर सकते हैं और किस तरह हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन हुए हैं। पर्यावरण आंदोलन मुख्य रूप से जो पर्यावरण आंदोलन हुए हैं उसमें पहला नाम आता है, सबसे पहले रियो सम्मेलन। ये महत्वपूर्ण है, ये हुआ तो 1992 में है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद पेरिस जलवायु सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, अंटार्कटिका संधि या अंटार्कटिका सम्मेलन। ये मुख्य 1, 2, 3, 4, 5 मुख्य पर्यावरण आंदोलन हुए हैं मुख्य रूप से। अब हम इस चैप्टर को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये जानेंगे कि अगर हमें ये पर्यावरण आंदोलन याद रहते हैं तो क्वेश्चन वहां पर अगर किसी टाइप का भी आए बोर्ड में तो इसको ध्यान में रखकर हम क्वेश्चन की फॉर्म अपने वैसे बना सकते हैं। रियो सम्मेलन याद रखना 1992 हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पेरिस जलवायु सम्मेलन 1960 के दशक में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, भारत ने इसमें हस्ताक्षर कब किए थे 2002 में, 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, जापान में हुआ था ये। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कैनेडा, ये कैनेडा में हुआ था। अंटार्कटिका संधि, ये सब पर्यावरण आंदोलन है। अब एक चीज और हम ध्यान रखते हैं, जब भी कोई पर्यावरण आंदोलन है ये हुए अलग अलग जगह, लेकिन अगर हम इन सबकी एक रूपरेखा देखें तो सभी की एक रूपरेखा बनती है कि सभी में एक ही बात की गई है कि किस प्रकार पर्यावरण को बचाया जाए, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास किया जाए, पॉलिथीन को बैन किया जाए, ओजोन गैस के कारण जो उसको असर पड़ रहा है उसको ध्यान में रखा जाए। आगे हम ध्यान रखते हैं कि इनमें से कोई भी सम्मेलन अगर पूछ लिया जाए पेपर में तो उसमें हमें 4-5 बातें ध्यान रखनी है। पहली कि सभी सम्मेलन वायुमंडल को बचाने के लिए हुए हैं। दूसरा, अंटार्कटिका संधि के तहत हर कोई देश उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है लेकिन उसे भी हमें बचाना है। तीसरा, इसमें शामिल है समुद्र सतह, समुद्र की सतह, समुद्र की गहराई पर्यावरण को बचाने में शामिल है, भारी वायुमंडल, ये सभी चीजें पर्यावरण में आती हैं। अगर देखा जाए तो वायुमंडल, अंटार्कटिका और इसके अलावा समुद्र सतह, ये सारी चीजें और भारी वायुमंडल, ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण को बचाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, ये सारी बातें इसमें भी जिक्र हुई थी, सभी देश आके इसमें शामिल होते हैं और इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मुद्दे पर्यावरण पे हावी हैं, उसी पर ही चर्चा की जाती है। अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिका में जैसे अलग अलग देश जाकर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंटार्कटिका में क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, उसे भी हमें बचाना है कि वहां पर ज्यादा प्रयोगशालाएं ना खोली जाए ताकि उसका दुर्व्यवहार ना हो। सांझी संपदा,
या वैश्विक सांझी संपदा, अर्थ एक ही है। वैश्विक का होता है ग्लोबल, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। सांझी मतलब सबकी, संपदा मतलब प्रॉपर्टी। अब तो पर्यावरण है और प्राकृतिक संसाधन है वो सांझी संपदा है या वैश्विक सांझी संपदा है, मतलब वो पूरे विश्व की है, सबकी है, किसी एक देश की जायदाद नहीं है, वो सबकी प्रॉपर्टी है। इसी में बताया गया सांझी संपदा, यानी कि हम सभी को, पूरे विश्व को सांझी संपदा के तहत पर्यावरण को बचाना है। ऐसा विकास करना है जो टिकाऊ विकास हो, ताकि उससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, यही सांझी संपदा है। भारत द्वारा पर्यावरण को बचाने में उठाए गए कदम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने कौन कौन से कदम उठाए ताकि पर्यावरण को हम सुरक्षित कर सके और पर्यावरण को बचा सके। ऑटो फ्यूल पॉलिसी, जैव विविधता, जैसे हम चर्चा कर ही रहे थे कि भारत द्वारा पर्यावरण को बचाने में उठाए गए कदम कौन से हैं। सबसे पहले तो ऑटो फ्यूल पॉलिसी 2002, आप देखते होंगे भारत ने क्या किया है कि सभी जो भी प्रदूषित वाहन है उस पर रोक लगा दी है। 15 साल से ज्यादा प्रदूषित वाहन, सरकार क्या चाहती है कि वो सड़क पर ना उतरे, तो ऑटो फ्यूल पॉलिसी लगाई है। इसलिए उन्होंने सीएनजी के वाहन को ज्यादा प्रोत्साहित करने की बात की गई है। जैव विविधता, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को आगे बढ़ाने की बात की है। ऊर्जा संरक्षण यानी कि किसी न किसी तरह एनर्जी सेव की जाए। आप देखते हैं कि एसी, कूलर या फ्रिज कोई भी हम नया खरीदते हैं उसमें स्टार्स बने होते हैं, स्टार 3 ग्रेड या 5 ग्रेड, इस तरह के स्टार के माध्यम से हमें पता लगता है कि कितनी एनर्जी वो सेव कर रहा है और कितनी यूज कर रहा है। बिजली अधिनियम एक्ट के हिसाब से बिजली को सोलर एनर्जी से बनाया जाए, भारत ने ये कदम उठाए हैं। अगला है बायोडीजल प्लांट। बायोडीजल प्लांट में क्या होता है, जितने भी खाद हमें मिलती है खाद को किस तरह एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए वो भी बात इसमें चर्चा की गई है। पुनर्वा ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी हमारी यूज हो चुकी है उसको दोबारा पुनर हम किस प्रकार एनर्जी को यूज कर सकते हैं, जैसे कूड़ा कबाड़ से हम किस प्रकार एनर्जी बना सकते हैं, ये सभी चीजें इसमें उठाई गई है। टिकाऊ विकास, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास यानी कि ऐसा विकास जिससे क्या है पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण को हानि ना हो, ऐसा विकास किया जाना चाहिए। अब क्या है जो विकसित देश है वो इस चीज को लागू अपने ऊपर नहीं करते, वो विकसित होने पर अपना जोर देते हैं लेकिन वो विकासशील देशों पर ये लागू करवाते हैं ताकि विकासशील देश विकसित देशों से आगे ना निकल पाए। टिकाऊ विकास ऐसा होना चाहिए कि पर्यावरण को इससे हानि ना हो। जीव जंतु को नुकसान ना हो। और विकास भी कायम रहे। मेन यही टिकाऊ विकास का मुख्य मुद्दा है। आगे हम जानते हैं वैश्विक, अभी वैश्विक पर्यावरण को चुनौती क्या है पॉलिसी।
जंगलों का कटना, CO2 का बढ़ना, वैश्विक ताप वृद्धि, अब ये सभी के कारण पर्यावरण को चुनौती मिल रही है। विकास भी एक तरह से चुनौती के रूप में उभर रहा है। कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ती जा रही है, AC हो गया या ईंधनों का धुआं, इन सब के कारण आग जलाने से क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ती जा रही है। अब धीरे धीरे हर 5-6 सालों में 2 डिग्री पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो कि ग्लेशियर जिसके कारण पिघलते जा रहे हैं, यही ग्लोबल वार्मिंग है जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कई जगह तूफान आ रहे हैं, कई जगह वो बाढ़ का रूप ले रही है। CO2 का बढ़ना, पेड़ कटते जाएंगे तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जंगलों का कटना जिससे क्या है, बाढ़ आ रही है, जंगल कट जाते हैं तो वो नदी को, नदी के भाव को भी नहीं रोक पाते, इस तरह ये नुकसानदायक है। जंगलों के कटने से जानवरों को भी नुकसान है। पॉलिथीन क्या है, पॉलिथीन हमारे अगर पर्यावरण में बढ़ती जाएगी तो ये पॉलिथीन इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, अगर इसे 100 साल भी जमीन में गाड़ के रखो तो भी इसका कुछ नहीं होता, इसलिए ये सब चीजें पर्यावरण को एक चुनौती के रूप में है। आगे हमने ग्लोबल वार्मिंग देखा, ग्लोबल वार्मिंग वही है, वैश्विक ताप वृद्धि का ही नाम है ग्लोबल वार्मिंग। और इसी तरह ये पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का जो चैप्टर था, इन शॉर्ट में खत्म हो रहा है। और इसी तरह आगे और जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।